बाय नमस्तुभ्यम दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों, यदि आपको कोई रोग ने घेरा हुआ है, पुरानी कोई बीमारी है, अनेकों डॉक्टर के इलाज के बाद भी आपकी बीमारी में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको एक विशेष उपाय करना चाहिए। पूजनीय पंडित जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में इस विशेष उपाय के बारे में वर्णन किया है। लेकिन उससे पहले, यदि आप मेरी चैनल पर नए हैं या मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरा जब भी कोई नया वीडियो आएगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। आपको क्या करना है, आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठना है। बेलपत्र के वृक्ष के पास जाएं, एक घी का दिया आप ले जाएं। चाहे तो आप मिट्टी का दिया लेकर जा सकते हैं, गोल बाती का, घी का, घृत का दिया जलाएं वहां पर, और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर, बेलपत्र की छांव में बैठकर बाबा भोले भंडारी शिव जी का स्मरण कर महामृत्युंजय मंत्र का आप जाप करें और बाबा भोलेनाथ जी से कहें कि हे भोलेनाथ, जैसे आपने शुक्र को संजीवनी मंत्र प्रदान किया है, वैसे ही आप मुझे भी क्या यह मंत्र प्रदान करेंगे? यह शरीर आपने मुझे दिया है, तो इसका भक्ति कीर्तन के लिए इसका ख्याल भी आपको ही रखना है। धीरे धीरे करके, अगर यदि आप रोज भी या फिर हर सोमवार या पांच सोमवार या पांच प्रदोष भी आप इस उपाय को करते हैं, तो धीरे धीरे करके आपको अपने रोग से निजात प्राप्त होगी और आपकी मनोकामना शिव भोले भंडारी अवश्य ही सुनेंगे। दो से तीन दिन में ही आपको अपनी बीमारी में, रोग में परिवर्तन नजर आने लगेगा। इसलिए आप इस उपाय को अवश्य ही करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों, आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखकर मुझे अवश्य बताइएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं या मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरा जब भी कोई नया वीडियो आएगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।